दूसरी बात, भर्तियां रुकी हुई है, हम तो चाहते हैं भर्ती हो। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएसटी व्यापम में। आप लोगों ने मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुन लिया होगा कि हम तो भर्तियां चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि बेरोजगार ने पिछले कुछ दिनों पहले 9 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल किया था और इसी हड़ताल पर मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को दी सफाई कि भाई हम तो भर्ती करना चाहते हैं। आखिर इतना बड़ा बयान मुख्यमंत्री जी ने क्यों दिया? क्योंकि सरकार के पास ये बात पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थी सरकार से खासे नाराज है, क्योंकि अभी तक भर्तियां नहीं निकली। इसी वजह से आप एक बार क्लिप को फिर से देखिएगा, जब भी कोई नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी राजनीतिक दल का जो व्यक्ति है वो अगर भाषण देता है तो एक अपना क्या क्या बोलना है वो कागज़ में लिख के आता है। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने क्लियर पहले नीचे देखा और उसके बाद उन्होंने कहा। इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री उस मंच से सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को ये सफाई देना चाह रहे हैं कि सरकार जो है भर्ती करना चाहती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेरोजगार, अभी हाल ही में आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था, लगभग 43 लाख से अधिक लोग युवा वोटर्स हैं, और जाहिर सी बात है ये किसानों से भी ज़्यादा है। और अगर युवा कहीं ना कहीं नाराज हो गए तो सरकार पर बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है। हालांकि आपने कुछ दिनों पहले एक प्रख्यात जो है न्यूज़ चैनल है राष्ट्रीय लेवल का, उन्होंने जो ओपिनियन पोल 2023 के विधानसभा चुनाव का जारी किया था, जिसमें कि उन्होंने बताया, वो किस बेसिस पे था वो तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बताया न्यूज़ चैनलों में कि जो वर्तमान सरकार है उनका सीधी सी बात है 52 से 55 सीट जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के आएगी, जबकि वहीं पे बीजेपी को 35 से 40 सीट के आसपास सिमटते हुए दिख रहे हैं और अन्य को 5-6। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार में वर्तमान सरकार की वापसी का जो ओपिनियन पोल है वो दिया गया है। अब आने वाले समय में क्या होता है ये तो युवाओं और बाकी अन्य जनता पर निर्भर करेगा, लेकिन जो ओपिनियन पोल है वो देखने वाली बात है। दूसरी बात, मंच से ही मुख्यमंत्री जी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नौकरी कर रहे लोगों को भी एक कड़ा और सख्त तेवर दिखाया, और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं वर्तमान में जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेके कार्य कर रहे हैं, और जो समाज है उनके प्रमुखों को कहा है कि भाई आप हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करें और उसमें बताएं कि जिस जिसमें स्टे लगा है उस सभी को निराकरण करें करके, ताकि कोई भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नौकरी करने की हिम्मत ना कर सके। इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं आप आगे मुख्यमंत्री जी का क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें पूरा विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है। कल भी मुख्यमंत्री जी ने कंटिन्यू कहा कि राज्यपाल को जो विधेयक का बिल रोकने का एक सीमा जो है तय होना चाहिए कि इतने सीमा तक आप बिल रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आरक्षण बिल को इसको लेके कहा था। आज के अखबारों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से सीएम ने राज्यपाल पर कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप लगाया हुआ है। फिलहाल बात ऐसी है कि कल जो एक बोल सकते हड़कंप मचा, ये जो है लोक शिक्षण संचालनालय से एक लेटर जारी हुआ, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जिलों में सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पदों की जानकारी मंगाई गई। अब इसमें से जो है अभ्यर्थियों में ये शंका थी कि क्या ये नई भर्तियों के संबंध में है, तो देखिए आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नई भर्तियों के संबंध में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगा, इससे अभ्यर्थियों में टूट की आशंका बढ़ जाती है कि कला वाले बोलते हैं कि भाई हमारे को ठगा जा रहा है, कॉमर्स वालों को इस प्रकार से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये जो है नई भर्ती के संबंध में नहीं है। ये जो है 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें चूंकि वहाँ पे स्थानीय भर्ती होती है, लेकिन उस समय स्थानीय भर्ती नहीं हो रही थी, इसी वजह से इसमें भी केस लगाया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, और उस केस का नतीजा ये निकला कि
बोल सकते हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया होगा और उसके बाद फिर वहाँ पे जो स्थानीय भर्ती जो बस्तर सरगुजा संभाग वाले जो व्यक्ति है वो वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं अपने ही स्थानीय जिलों में या स्थानीय संभाग में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए ये जानकारी मंगाई गई है। फिलहाल जो संघ के द्वारा भी जो संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बार बार कहा कि वो भी जो है अंतिम सूची जो 2019 की शिक्षक भर्ती है वो अंतिम सूची का इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं कि किस बोल सकते हैं अब प्रतिशत पे जो है वो सूची जारी की जाती है, क्योंकि 58% पर अभी तक स्टे मिला नहीं है और 76% लागू हुआ नहीं है, तो संभवतः वही देख रहे हैं कि क्या 50% आरक्षण पर जो है वो सूची निकाली जाती है कि नहीं। फिलहाल आप लोगों को अभ्यर्थियों को यही कहूंगा कि अभी ये जो भी है वो 2019 की पुरानी भर्तियों के संबंध में था, ऐसे तो पदों की जानकारी कंटिन्यू विभाग के द्वारा मांगी जाती है। आप देखे होंगे कि कई बार जो है शिक्षक भर्ती के संबंध में शिक्षकों के सहायक शिक्षकों के हर जो वर्ग है शिक्षकों के उसकी जानकारी मंगाई जाती है सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा, ताकि कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार से मजबूत किया जा सके और वहाँ पे जो शिक्षकों की व्यवस्था है वो की जा सके। फिलहाल आप सभी को यही बताना था। आगे आप जो है मुख्यमंत्री जी का क्लिप देखिएगा विस्तार पूर्वक। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें। लेकिन एफिडेविट के आधार पे आप जाति प्रमाण पत्र मांगे तो ये अभी कम से कम स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने के बाद उसके छानबीन शिकायत होती है, छानबीन समिति बनती बनी है जिसके बारे में आपको जानकारी है, छानबीन समिति जांच करके रिपोर्ट शासन को दे देती है, उसमें कार्रवाई होती है और दूसरे दिन जाके स्टे ले लेते हैं और स्टे के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में लगाइए कि इतने दिन से रुका हुआ है, इतने प्रकरण है, इसमें सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जो काम आप मुझे बता रहे हैं उससे बेहतर यह है कि उसमें यदि कार्रवाई हो, फर्जी जाति प्रमाण पत्र में हाई कोर्ट में जितना रुका हुआ है यदि वही निराकृत हो जाए तो कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी बात, भर्तियां तो चाहते हैं भर्ती हो, लेकिन पिछले समय हुआ था हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था स्टे था उसको वेकेट कर दिया, मध्य प्रदेश के जो नियम है वो लागू हो गए, उस स्थिति में बहुत सारे वर्ग के लोगों के अहित हो रहा था। विधानसभा में विशेष सत्र बुला के हमने आरक्षण बिल को पारित किया और 2 दिसंबर को ही राज्यपाल को सौंप दिया था। राजभवन में हमारे मंत्रीगण गए थे और 2 दिसंबर से लेके आज 14 अप्रैल हो गया, लेकिन आज तक के न उसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं न वापस किया जा रहा है। तो ये जो संविधान में जो राज्यपाल को जो अधिकार मिला है इसके बारे में तब वो नहीं सोचा गया होगा उस समय कि राज्यपाल इस प्रकार से सार्वजनिक हित के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उस समय संविधान बनाने वाले शायद नहीं सोचे थे कि यदि हम राज्यपाल को इतना अधिकार दे देंगे वो कब तक के रोके रखें, इसको कोई सीमा नहीं है। आज 4-4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, हमारे बच्चों की भर्ती नहीं हो रही है। अभी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सबकी भर्ती होना है, नीट के परीक्षा का आयोजन करना है और ऐसे में यदि आरक्षण बिल लागू नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई से लेके नौकरी में भर्ती तक के सभी प्रभावित हो रहा है। तो ये जो मांग है वासनिकर जी आप मुझे सुनाए हैं, मैंने तो अपना काम कर दिया है, बगल में राजभवन है वहां जाकर आप बोलिए तो शायद आप लोगों को बोलने से राजभवन में कुछ फाइल आगे सरकेगी, यदि सरक जाती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय